नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे अफीम की फसल में लगने वाले सभी रोगों की जानकारी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, इन रोगों में से कुछ रोग फफूंद जनित रोग हैं, कुछ बैक्टीरिया जनित रोग हैं, कुछ वायरस जनित रोग हैं और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जो लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम रोग भी मान सकते हैं, इस प्रकार के रोग हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो शुरुआत अवस्था में रोग आता है, जिसे डाउनी मिल्डी बोलते हैं, काली मसी बोलते हैं, मृदुरों में लसिता बोलते हैं और कोमल फफूंदी भी बोलते हैं। अफीम की फसल में आने वाला यह एक मुख्य रोग है। इसके 2 से 3 प्रकार के वेरियंट आपको अपनी अफीम की फसल में देखने को मिलेंगे। जब फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है, उसी समय से यह रोग सक्रिय हो जाता है, जो निचली पत्तियों से शुरू होता है। पत्तियों पर काले काले धब्बे या पीले धब्बे के रूप में प्रकट होता है और धीरे धीरे यह रोग ऊपर की ओर प्रसारित होता है। इसका एक प्रकार धोलिया जाना, जिसे कूड़िया रोग भी बोलते हैं, वो भी है, जिसमें कि पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पौधा ऊपर के साइड में विकास नहीं करता है, पत्तों के नीचे काली और नीली फफूंदी देखने को मिलती है। किसान साथियों, इस रोग का फैलने का एक मुख्य कारण एक प्रकार की फफूंद है, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस फफूंद के बीजाणु हमारी ज़मीन में सुरक्षित रहते हैं, जैसे ही उन्हें अनुकूल मौसम मिलता है वो रोग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जहाँ पर ये रोग आ जाए एक बार, वहाँ कम से कम 2 से 3 वर्ष तक अफीम की खेती नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों की मजबूरी है, क्योंकि ये फसल ही ऐसी है, इसकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। बहुत सारे किसान भाइयों के पास देसी खाद भी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो किसान भाई हमेशा एक ही जगह बुआई करते हैं। साथ ही साथ उन्हें नई जगह पर भरोसा भी नहीं है कि क्या पता वहाँ पर हमारी फसल ठीक से हो पाएगी या नहीं। तो इसके नियंत्रण के किसान भाइयों, या तो आप दूसरे या तीसरे वर्ष जो पलाव चलाते हैं, गहरी जुताई करते हैं, वो चलवाएं, और साथ ही साथ जब फसल की बुआई होती है उस समय आप ट्राइकोडर्मा, जो मित्र फफूंद आता है, इसका प्रयोग ज़रूर करें। देसी खाद में मिलाकर करें, वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर करें, लेकिन इसके साथ आपको किसी भी प्रकार का कीटनाशक या फफूंदनाशक जो रासायनिक है उसका प्रयोग नहीं करना है। नहीं तो जो रासायनिक कीटनाशक और जो फफूंदनाशक हैं वो इस ट्राइकोडर्मा, जो मित्र फफूंद है, उसको ख़त्म कर देगा। आप जानते हैं कि पहले कोई बीमारी नहीं आती थी हमारे अफीम की फसल में, क्योंकि उस समय हमारी ज़मीन में मित्र फफूंद और मित्र बैक्टीरिया काफ़ी संख्या में मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा लोभ बढ़ता जा रहा है, हम रासायनिक खादों, फफूंदनाशकों, कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी ज़मीन में मित्र बैक्टीरिया, मित्र फफूंद का धीरे धीरे खात्मा होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप बीमारियां ज़्यादा आने लगी है। यदि आपकी फसल में इस प्रकार का रोग आ जाता है तो आपको 15 से 20 दिन के अंतराल पर जो डाउनी मिल्ड्यू के लिए फंजिसाइड है उनका स्प्रे करना है। यदि रोग कंट्रोल नहीं होता है तो आपको 8 दिन में दोबारा उसका प्रयोग करना है। तो अगली बार आप जो टेक्निकल लेंगे वो आपको अलग लेना है, एक ही टेक्निकल बार बार यूज़ ना करें, क्योंकि उस फफूंद को रेसिस्टेंट पावर आ जाता है एक प्रकार से, तो वो फिर उसी टेक्निकल से समाप्त नहीं होती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। किसान साथियों, अगले रोग के बारे में बात करें तो आता है जड़ सड़न रोग। यह भी एक फंगस जनित रोग है, जो हमारी फसल की जड़ों को ख़राब कर देता है। परिणाम स्वरूप जड़ काली पड़कर सूख जाती है और हमारा पौधा समाप्त हो जाता है। इसके लिए आपको जो फंजीसाइड है उसका प्रयोग करना है पानी के साथ, यानी आप सिंचाई करें तो फंजीसाइड की आप ड्रेंचिंग करें, उसमें आप रोको ले सकते हैं, जिसमें थायोफिनाइड मिथाइल आता है, या अन्य
जो फंजीसाइड नेचिंग के लिए अच्छे हैं उनको ले सकते हैं। अगले रोग की बात करें किसान साथियों, तो वो आता है तना सड़न। तना सड़न में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जनित रोग है, और जब हम सिंचाई करते हैं तो जो बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया है, वो पानी के साथ हमारे पौधों में प्रवेश कर जाते हैं और अंदर हमारे पौधे को सड़ा देते हैं। शुरुआत में आपको इसके लक्षण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही पौधा सड़ जाता है, उसकी पत्तियां आप देखेंगे अचानक से पौधा मुरझा क्यों गया है, और आप जब उसको हाथ लगाएंगे तो टूट जाएगा, और चीर कर अंदर देखेंगे तो अंदर काला काला पदार्थ दिखाई देगा और वो बहुत बदबू मारेगा। तो ये एक तना सड़न रोग है। इसके लिए आपको किसी भी, जब फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ ज़मीन में जो मित्र बैक्टीरिया है जैसे कि सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, उसका प्रयोग भी आपको ड्रेसिंग में करना है, तो वो हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त कर देगा। किसान साथियों, अगले रोग के बारे में बात करते हैं, तो वो एक विषाणु जनित रोग है, और अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मालवी भाषा में इसे खाकरिया रोग बोलते हैं, और ये एक वायरस जनित रोग है। एक बार जिस पौधे में आ जाता है, किसी भी प्रकार की दवाई का उस पर कोई असर नहीं होता है, और जितने भी रस प्रकार चूसने वाले कीट हैं वो इस वायरस जनित पौधों का रस चूसकर अन्य पौधों पर जब रस चूसने जाएंगे तो इस वायरस को वो अन्य पौधों में इंजेक्ट कर देंगे। परिणाम स्वरूप ये होगा कि वो पौधा भी रोगग्रस्त हो जाएगा। इस रोग में क्या होता है, पत्ते दोने के समान हो जाते हैं, फूल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कली से फूल विकसित नहीं होता है, और फूल विकसित हो गया तो फिर फल विकसित नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे पानी बिना सूख गया हो। किसी भी प्रकार की दवाई का कुछ असर उस पर नहीं होता है। तो जैसा ही आपको कुछ पौधे दिखे या एक पौधा भी दिखे तो तुरंत उसको उखाड़ कर दूर ले जाकर ज़मीन में गाड़ दें। रोगग्रस्त पौधों को किसान भाइयों कभी भी अपनी फसल के, जहाँ पर आपने अफीम लगाए हो उसके खेत की मेड़ों पर ना डालें, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो वापस आपके खेतों में आ सकते हैं, या फफूंद आपके खेतों में आ सकते हैं किसी प्रकार से, या तो किसी कीटनाशक जो कीट हैं उनके हिसाब से आ सकते हैं, या पानी के साथ आ सकते हैं, हवा के साथ उनका संचार हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। किसान साथियों, अगले रोग के बारे में बात करें तो वो आता है ब्लाइट के रूप में, चाहे वो अर्ली ब्लाइट हो चाहे लेट ब्लाइट हो। ऐसा लगता है जैसे कि पौधे में पानी घुस गया हो, आधे पत्ते सूख जाते हैं, आधा पत्ता हरा रहता है, पौधे में कहीं पे भी सूखापन आ जाता है अचानक से, जैसे किसी ने पत्तों को मसल दिया हो या पत्तों में पानी भर गया हो, ऐसा लगता है। तो इसके लिए भी आपको समय पे जो ब्लाइट रोगों के नियंत्रण के लिए जो फंजीसाइड आते हैं उनका प्रयोग करना है। और अगले रोग के बारे में बात करें किसान साथियों, तो जो मुख्य रोग है वो है सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला, वो है पाउडरी मिल्ड्यू, या जिसे धोली मस्सी या सफ़ेद मस्सी भी बोलते हैं। इस रोग के लक्षण पौधों पर आप देखोगे तो आपको काफ़ी देर बाद दिखाई देंगे, और जो नुकसान होता है वो इसी रोग से भयंकर होता है। पत्तों में दूध होने के बावजूद भी डोड़े तक नहीं पहुंच पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है, जो डोड़े हैं वो पिलपिले हो जाते हैं। तो इस रोग की शुरुआत पत्तों के ऊपर से न होकर जहाँ तना से पत्ता जुड़ा रहता है वहाँ से होती है, वहाँ पर फंगस लगती है। परिणाम स्वरूप जो पत्तों से जो नसें तने में जा रही हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और पत्तों का दूध तने में नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण पत्तों में दूध होने के बावजूद भी डोड़ा दूध देने से मना कर देता है। इस रोग के लक्षण आपको जब तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, सामान्यतः यह फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह से दिखाई देने लगता है आपको, तो आपको हमेशा निगरानी करनी है कि जैसे तापमान बढ़े आपको अपनी अफीम की फसल की देखरेख करनी है। जगह जगह तनों पे यह फंगस के रूप में प्रकट होगा, छोटा सा रूइस जैसा फंगस आपको दिखाई देगा, और धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फंगस के वहाँ पर फिर काला निशान हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, इस रोग को आपको शुरुआती अवस्था में ही कंट्रोल करना है, अन्यथा यह रोग एक बार हावी हो गया तो फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सभी रोगों की पहचान के लिए हमारे
यूट्यूब चैनल पर अलग अलग वीडियो है, चाहे आप उन सबको देख सकते हैं कि कैसे इसकी पहचान करें और कैसे इसकी नियंत्रण करें। तो किसान साथियों, ये मुख्य रोग जो मैंने आपको बताए अफीम की फसल में आते हैं, ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताए हैं। हो सकता है इनके अलावा और कोई रोग आते हो, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। और पसंद आएगी तो प्लीज़ किसान भाइयों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य मित्रों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।